नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बुधवार रात को दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 70 लोग घायल हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रात बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से उतरने के बाद मरने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। हमास के हमले के बाद से अब तक 6 दिन में इसराइल के 189 सैनिकों की मौत हो गई, वहीं 1200 से ज्यादा इसराइली नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही जवाबी हमले में अब तक 1100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए गुंजी गांव का दौरा भी करेंगे। घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को कारोबार की धीमी शुरुआत की। घरेलू बाजार को विदेशी बाजारों से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर आईटी शेयरों की गिरावट से प्रेशर भी बना हुआ है। G20 की शानदार सफलता के बाद भारत में पहली बार P20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यशुभूमि में इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने G20 देशों के अलावा अन्य देशों के भी सांसद और प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अभिनेता चंद्रबाबू नायडू के पुत्र नारा लोकेश ने बुधवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में नारा लोकेश के साथ आंध्र प्रदेश बीजेपी के नेता डी पुरंदरेश्वरी और तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। डाक विभाग के महाराष्ट्र सर्कल ने राज्य की 8 प्राचीन बावड़ियों पर विशेष पोस्ट कार्ड जारी कर दिए हैं। इनमें मराठवाड़ा क्षेत्र की 4 बावड़ियां भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर राज्य में एक अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान मुकाबले को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच विशेष किराए पर एक जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात रुकी नहीं है, बातचीत अभी भी चल रही है। महाराष्ट्र के तुलजापुर में प्रसिद्ध तुलजा भवानी मंदिर के निकट पुजारी और दुकानदारों ने मंदिर को विकसित करने संबंधी सरकार की योजना के विरोध में बुधवार को बंद रखा। आशीष शेलार ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा है। आशीष शेलार ने अपने बयान में सांसद संजय राउत को भी जवाब दिया है। शेलार ने कहा, आपने राज्य में उद्योगों को बाहर निकाला, आपने नानार का विरोध भी किया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में छोटी कारों से टोल न लेने की मांग की है। इस मांग का कांग्रेस नेता ने समर्थन किया है। विजय वडेट्टीवार ने कहा, उनके प्रस्तावित आंदोलन को मैं अपना समर्थन देता हूँ। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीएम शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कमर कस ली है। सभी ने महासंवाद यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। बिग बॉस फैन पेज के मुताबिक सलमान खान को शो को होस्ट करने के लिए मोटी रकम दी जा रही है। सुपरस्टार हर हफ्ते 12 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं। गौरतलब है कि सलमान खान शनिवार और रविवार को 2 दिन शो होस्ट करते हैं। हर साल नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें फिल्म के टिकट के प्राइस कम कर दिए जाते हैं। 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे और इस दिन आप 99 रुपए में फिल्म देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल रात रिंग रोड काले खां के पास से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 युवक को, कृष्ण कुमार और राजेंद्र को, हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल, 5 कारतूस